every year you will have new kind of technology, new level, because now people are into artificial neural network. By doing these searches, we are dealing with artificial neural network. We try to predict the nature of the employee, we try to predict the performance of the organization. We are more interested in future. ऐसा लगता है कि रिसर्चर से ज्यादा एस्ट्रोनॉमर बन गए हैं और ये वेरिएबल्स कुंडलियां डिटेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं और आपको डिस्क्रिप्ट बस अभी मुझे अगर यहाँ पे स्क्रीनशॉट मिलता है तो आपको मैं पावर ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बताती हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रही है जो मोदी जी ने किया है. अभी मैंने रिसेंटली डायरेक्टर ऑफ NIC के साथ मीटिंग की नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर. उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया है और आई टेकन दैट I have prepared PPT for my students by using this government website. And that's only they have used descriptive analysis. And you have to be really make sure, like let's suppose bar chart and histogram. For bar chart, which kind of the data you can use bar chart? You cannot use bar chart for everything. Achha. Like for example, you, for me, which type of chart you will prepare? Bar chart or histogram? For you and like for what parameter? Which chart should be used? We have studied in our basic schools, like bar chart is there and histogram is there. But for, if I want to draw the mean of my variable, which chart I will use? Bar or histogram? Bar. Which gives you more histogram. Analysis, yeah. Bar will not be more error free. Yeah. Bar not error free, sir. It's a kind of the scale we are using. Scale. There is a measurement scale for nominal, ordinal, interval, and ratio scales. Okay. Nominal scales, for example, in that thesis which I was explaining, can you calculate the mean of boys and girls in a class? Hmm. You can. Nahin. No, अगर वेरिएबल है उनका वेट नापना है तो मैं मीन क्यों नहीं निकाल सकती. वेट इज डिफरेंट. आपका क्वेश्चन हाफ था. मैंने क्या कर दिया? मैंने कहा कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एवरेज ऑफ मेल एंड एवरेज ऑफ फीमेल. नो नॉट नो नो बिकॉज़ वेरिएबल क्या है. लेट्स सपोज 30 मेल्स एंड 20 फीमेल्स इन द क्लास इज इक्वल टू 50 साइज क्लास साइज राइट. तो दिस इज व्हाट we cannot calculate the mean of boys and mean of girls because it's a nominal scale. We only calculate frequency. We on for the frequency we can only prepare the bar chart or pie chart. Right. अगर आपको graph की भी understanding नहीं है तो data visualization की भी 2 दिन की workshop है. बहुत पढ़ा रहे हो यार. और मैं और हो गया. नहीं नहीं बस एक चीज़ नहीं अच्छा चुप रहो यार. नहीं बस और मिल रहे हैं आये तो बगीचे तो वैसे पागल होता है. आपकी मैंने भी पागल चाहिए. हमने कुछ नहीं कहा आपको ऐसे. हमने नहीं कहा आपको पागल रहता है. सी सी यानी ये सही है. नहीं वकील बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वर्सेटाइल और नॉलेजेबल होते हैं लेकिन ये फील्ड नया है. आपके दिल में रिकॉर्डेड ये चीजें मत जाइए. आप सारी डिटेल में सब कुछ मत जाइए. मैं जो सिंपल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना चाहते हैं एंड चार्ट काइंड ऑफ और व्हिच टाइप ऑफ चार्ट विल बी यूज्ड फॉर व्हिच टाइप ऑफ डेटा व्हिच काइंड ऑफ द विजुअलाइजेशन शुड बी देयर द व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ विजुअलाइजेशन. यू कैन नॉट बिलीव. हम कहते हैं ना कि हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत फास्ट चलता है गवर्नमेंट स्लो चलता है. बट नाउअडेज गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड जॉब. जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सब ने अपना डैशबोर्ड क्रिएट किया है. वेरी गुड वेरी गुड. आई यू डैशबोर्ड आई वुड लाइक टू शो यू. आई जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दोस. दिस वाज अ डेटा विजुअलाइजेशन. इसका प्रॉपर अगर आपका टाइम मिलेगा अनुभव मैम वी विल डू फ्यूचर एक्सरसाइज डेटा विजुअलाइजेशन. वी विल डू दैट 100% डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड दे हैव क्रिएटेड दैट डैशबोर्ड बाय जस्ट क्लिकिंग द स्टेट यू विल गो विद द ओल्ड डेटा ऑफ द ईओडी बिजनेस. दिस इज द साइट ऑफ लीगल योर लीगल डिपार्टमेंट कितने पेंडिंग केसेस हैं ये जितने भी आपको दिख रहे हैं बटन्स. दीज आर द व्हिच आई कैन शो यू
we can create really easily by using Power BI. Power BI software. See, this is a another example of e-procurement. Now government is procuring online. Yeah. So in that, yes, e-procurement dashboard, and then using every kind of the chart which is there. And this is a dashboard by Kishan Sathi portal and dashboard. And these are the software: Excel, Looker, Power BI, Tableau, Pomo, DataBox, Wizard, Wizly. These are the software which we can use for creating the dashboard. And कितने जेल में लोगों को भेजा गया, अभी करंट में कितने जेल में हैं और कितने जेल से बाहर आए और कितने जेल से विजिटर एंट्री है. Yes, मैं अभी आपको गवर्नमेंट का आया ना, यू आर दी 1,29,074th visitor on this site. Imagine. Yes. So dashboard, who number of visitors is it? But dashboard is different. I know. बस एक चीज और. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है डैशबोर्ड, एंड दिस इज अ डैशबोर्ड विच इज डन बाय द हेल्थ इंडस्ट्री की कितने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, कितने हॉस्पिटल बेड खाली हैं, किन हॉस्पिटल्स पे बेड खाली हैं, यू जस्ट एनरोल एंड गो इनटू दैट. यस यस. एंड अनदर डैशबोर्ड ये रहा इंडस्ट्री प्रिजनर्स, ये है कितने इंटीमेट इनसाइड कितने हैं, एडमिशन आज कितने हुए हैं और कितने रिलीज किए गए हैं, कितने विजिटर्स ने जेल में विजिट किया है. दीज आर द डैशबोर्ड. एंड ये जो चार्ट है ना, प्लाइन पार चार्ट, ये बहुत इजी है. ये एरिया चार्ट है, दिस इज द एरिया मैप चार्ट व्हिच इज कैन बी क्रिएटेड बाय पावर बीआई. डैशबोर्ड e-gram Swaraj, and this is the government shram labor report. So how far that, what kind of the labors we have, and this is amazing is that the government of India has also used Power BI to create such dashboard. And this is the dashboard for created by using the Power BI. And this is the recent dashboard has been launched by this one. And these are the software. All freely software is Google Studio, and your Power BI is also free at the some stage. But जब मेरा वहाँ पे meeting था तो मैं हमारे जो मोदी जी हैं Prime Minister हैं, कोई भी Prime Minister कैसे देखेंगे, इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, इतने सारे department हैं, department हैं, how will you monitor? So for that NIC creates the dashboard of dashboard. So every department creates dashboard. Then dashboard of dashboard. If Modi want to just review one policy, he click on that, the dashboard open, the dashboard open, the dashboard. And then just click, after 2-3 clicks, he get everything data. Now you can see, if you are not able to learn such techniques, so very soon, within the 10 years, you will be out of the market. आइए आइए, क्या ऑर्डर.
इधर आइए, जिधर मर्जी आओ। नथिंग इज फ्री। इसने पूरा हिला दिया, आज भी पढ़ते ही नहीं है तुमको। और ये भी बताया कि नमस्ते करने के पैसे लगने लगा है। I must tell you, maybe you will not know that, I used SPSS in 1985. Oh my god, and I was the first who brought SPSS in Airport 30. When there never used to be any manual, etc. available, and you really write good old memories. Without statuses, nothing can be done. So this is small appreciation for you. For the shutters. Good, right. Yes. But this was amazing. Good, very good. I never expected. SPSS is the licensed version software which people cannot operate. But such ability can be done with the help of Excel and R. Excel has different plugins. Mega, but I have to. I am going to request Amba. Maybe we will have a detailed session from her, and we will have an online session. We'll do that. And rather, if sessions like this, I think we should have start system live. This is not a very big thing. यहाँ पर एक मोबाइल रखना है और live आप इसको live relay करना शुरू. Sir, हम तो live stream पे चलेंगे आज. आज का लाइव था, हो रहा है हम तो हर जगह लाइव पे जा रहे हैं और हम लाइव पे चले जाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं नहीं We wanted more introduction from professor. Yes. My name is Dr. Sheetal Singh, and I am assistant professor with the Lal Bahadur Shastri Institute of Management, Delhi, and I'm heading the research center at Lal Bahadur Shastri Research Center for Public Policy and Social Change. And I'm primarily into the research area. I'm publishing research papers, doing research projects with the Government of India, and doing many funded research assignments with the Government of India only. And recently I proposed one research framework for education industry to effective implementation of NEP 2020. And apart from the research, I'm also a corporate trainer in the area of data analytics, HR analytics, learning analytics, more into analytics. Yeah, good. And along with that,
Workshops in the area of research and data analytics only, and which I would like, I'm just about to start the new series of analytics from the month of February. It will run up to August or October. Very good. Yeah, in the area of that only. Covering elections also. And you add one more thing. You are the honor guest of the ISTD now onwards. बहुत बढ़िया गुड है राइट कुछ भी नहीं आता मुझे भी आ रही है डिटो ऐसा कुछ नहीं है इट्स ऑल अबाउट कांस्टेंट लर्निंग व्हाट इज बिकॉज़ व्हेन आई हैव डन माय एमबीए इवन आई डोंट नो अबाउट द बैटर एक्सेल आई वाज समोसे ला रहे जस्ट समोसे खाते नहीं वैसे इंट्रोडक्शन ही करना इंट्रोडक्शन तो इनका हो रहा है बैटर बड़ा वाला